देखो एट क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर ए एंड बी आर द ओरिजिनल वेक्टर ऑफ ए एंड बी, लेट ओ बी द ओरिजिनल वेक्टर, तो वेक्टर ओ ए दे रखा है आपको वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी दे रखा है आपको वेक्टर बी, फाइंड द ओरिजिनल वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन सी सच दैट कंडीशन दे रखी है उन्होंने वेक्टर ए सी इक्वल टू 3 वेक्टर ए बी, जिसे कह सकते हैं ए सी को OC माइनस OA लिख सकते हैं और AB को OB माइनस OA लिख सकते हैं। OA इसके ऊपर वेक्टर A के, ये वेक्टर B के और ये वेक्टर A दे रखे पहले। तो OC माइनस A इक्वल टू हो गया 3 वेक्टर B माइनस 3 वेक्टर A। तो OC इक्वल टू आ गया 3 वेक्टर B माइनस 3 वेक्टर A प्लस A वेक्टर। तो OC इक्वल टू हो गया 3 वेक्टर B माइनस 2 वेक्टर। ये आंसर आ गया भाई हमारे पास। ऐसे आपको वेक्टर डी निकालना है तो कंडीशन दे रखी है बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी ए करके दे रखी है, यानी कि ओ डी माइनस ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ए माइनस ओ बी। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, ओ डी इज रखा है बी, ये रखा है ए, ये रखा है आपको बी, तो ओ डी माइनस वेक्टर डी इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। तो OD इक्वल हो जाएगा 2 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस वेक्टर b, ये माइनस का वेक्टर b आंसर आ गया OD 2a माइनस वेक्टर b आंसर। ठीक है भाई, जरा नोट करिए इसका टाइम क्वेश्चन समझा रहे हैं। यस सर। नाइन क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर। अब कोलिनियर में फिजिक्स के हिसाब से नहीं चलूंगा कि मेरे दो वेक्टर है जिनकी पैरेलल वेक्टर है उनकी सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे मैथ की बात और मैथमेटिक्स के हिसाब से चलना है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर तो उनके बीच में किसी स्केलर का रिलेशन होगा, ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, बस उनके बीच में स्केलर का रिलेशन आएगा। जैसे हमारे पास नाइन क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो लेट ओ बी द पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर ओ ए दे रखा है सपोज इन्होंने ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, वेक्टर ओ बी दे रखा है उन्होंने आपको सेवन ए माइनस सी, और वेक्टर ओ सी दे रखा है माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी। सही है, तो शॉर्टेड पॉइंट टू पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर। तो हमारी इच्छा ए बी वेक्टर निकाल दे, मान लो ए बी का मतलब क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए यानी कि सेवन ए माइनस सी में से ए माइनस करेंगे ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी को, सेवन ए और माइनस ए सिक्स ए माइनस टू बी माइनस फोर सी, ये वेक्टर ए बी आ गया हमारे पास। एक सपोज हमने बी सी वेक्टर निकाल दिया, बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, OC minus OB होता है minus 2A plus 3B plus 5C, में से हम लोग minus करेंगे 7A minus C को, तो minus 2A minus 7A minus का 9A plus 3B और 5C minus C plus 6C आ गया हमारे पास। तो वेक्टर BC में से ये बात ध्यान दो, अगर वेक्टर BC में से minus 3 कॉमा ले लें, माइनस थ्री कॉमन लेके आएगा ए माइनस बी माइनस टू सी आएगा, और ये वेक्टर ए भी दे रखा था यहाँ पे, अगर हम क्या कॉमन लें टू कॉमन लें, एक यहाँ हमने क्या कॉमन लिया माइनस थ्री कॉमन लिया बी सी में, तो ये आएगा थ्री ए माइनस बी माइनस टू सी, ऐसे आएगा बेटा हमारे पास। तो यहाँ अगर हम टू कॉमन ले लें ये आएगा थ्री ए माइनस बी माइनस टू सी, तो देखो यहाँ से बी सी ऐसे आ गया माइनस थ्री ऐसे आ गया, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट सेम है, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो ए बी अपॉन टू तो आएगी, बताओ सही हो, इस वाले पार्ट की वेक्टर ए बी के इक्वल है ना, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या आएगी,
और अब वन टू वेक्टर इजी बताओ सही बात समझ आ रही है यस सर तो इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 1/2 वेक्टर ab अब ध्यान से देखो एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये बिल्कुल को स्केलर वैल्यू आ गई तो जब दो वेक्टर के बीच में किसी स्केलर का रिलेशन आ जाए तो वेक्टर क्या कहलाते हैं कोलिजन कहलाते हैं है ना दिस अप्लाई वेक्टर oa ob एंड oc आर कोलिनियर क्योंकि इनके बीच में किसी स्केलर का रिलेशन आ गया ठीक है बच्चों बात समझ आ गई आपको प्रज्ञा प्रतिभा श्वेता शिवी समझ में आ गया यस सर ठीक है 11th वाला क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर मिस द इक्वेशन पॉइंट सॉरी तो लेट o बी द पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर oa हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर ओ भी हो जाएगा हमारे पास 3 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b प्लस 7 वेक्टर c वेक्टर oc हो जाएगा हमारे पास माइनस 3a माइनस 2 वेक्टर b माइनस 5 वेक्टर c क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर द पॉइंट विल बी कोलिनियर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर ऑफ देयर फाइंड द प्रूफ निकलना है इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन हम ऐसे ऐड कर सकते हैं AB is equal to lambda BC लिखेंगे where lambda is any scalar अब प्रूफ नहीं करना लेके चलना है निकालना तो क्या है ना तो AB का मतलब हो गया OB minus OA और BC का मतलब हो गया भाई OC minus OB अब जब OB minus OA करोगे OB में से OA को minus करोगे 3 और minus A 2A KB और minus 2B तो k minus 2 into b plus 7c और minus 3c 4c आ जाएगा oc minus ob oc में से ob को minus करेंगे minus 3a minus 3a minus का 6a आ जाएगा minus 2b minus kb तो minus का 2 plus k into b आ जाएगा और minus 5c minus 7c तो minus का 12c आ जाएगा ठीक है बच्चों अब now on compare करो कंपेयर ए के साथ क्या आएगा 2 इधर ए के साथ क्या आएगा बताओ माइनस 6 और साथ में लैम्डा माइनस 6 लैम्डा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस के बराबर 3 अब बी के साथ क्या है यहां पर के माइनस 2 इधर बी के साथ क्या आएगा बताओ आर से लैम्डा आएगा माइनस का क्या आएगा 2 प्लस के तो डाउट तो नहीं बात है भाई अब के माइनस 2 ऐसी माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है माइनस अल्फा की तो प्लस अल्फा भी हो गया इनटू 2 प्लस के 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस के 3k माइनस के इज इक्वल टू 2k 6 प्लस 2 8 हो गया के की वैल्यू 4 आ गई ये हमारा आंसर आ गया ठीक है स्टूडेंट बात समझ में आ गई यस अब आप लोग इस एक्सरसाइज को लगा लीजिएगा ज्यादा क्वेश्चन तो रह ही गए इसमें इसके एग्जांपल्स की फोटो मैं और डाल दूंगा थोड़ी देर में अभी वो भी कर लीजिएगा सब अच्छे से और जो डाउट है कल मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा ठीक है स्टूडेंट्स ओके बाय सर थैंक यू सर ओके थैंक यू सर थैंक यू